एनिमेटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आईबी स्क्रीन टेक्स का सबसे बेस्ट ट्यूटोरियल देने जा रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप आईबी स्क्रीन टेक्स के सभी टूल्स एंड फीचर्स के बारे में समझ जाएंगे। एंड हाँ, मैं जैसे फ़ोन में एनिमेट करता हूँ बिल्कुल वैसे ही मैं आपको भी सिखाऊंगा, एंड आप भी मेरी ही तरह एनिमेट करना सीख जाओगे। एंड ये ट्यूटोरियल मैं आपको सबसे इजी वे में बताने वाला हूँ। एंड हाँ, ये हाउ टू एनिमेट और आईबी स्क्रीन टेक्स का फर्स्ट पार्ट है। एंड इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको मेन एनिमेशन करना सिखाऊंगा। एंड हाँ, मैं अपने इस चैनल पर ज़्यादातर हाई क्वालिटी एनिमे लाइक एनिमेशन ट्यूटोरियल्स ही डालता हूँ, वो भी एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए। तो अगर आप भी मेरी तरह एनिमे बनाना सीखना चाहते हो तो यू कैन सब्सक्राइब मी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एनिमेटर्स, वी आर इन आईबी स्क्रीन टेक्स एंड मैं आपको एक एक चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेकिंग ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप जैसे ही इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, एंड नीचे स्क्रॉल करने पर आपको दिखता है एनिमेशन फीचर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रेजोल्यूशन सिलेक्ट करना होता है, एंड ये रेजोल्यूशन आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होता है। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन उतना अच्छा क्वालिटी, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे 4K पर एनिमेट करो। मैं आपको रेजोल्यूशन बता देता हूँ कि आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग कौन सा रखना है। तो अगर आपके डिवाइस में 1GB या 2GB या 3GB रैम है तो आपको फुल HD यानी 1920x1080 यूज़ करना है। एंड अगर आपके डिवाइस में 4GB या 6GB रैम है तो आपको QHD यानी कि 2560x1440p का यूज करना है, एंड जिसे हम 2K भी बोलते हैं। एंड अगर आपका डिवाइस 6GB रैम प्लस है तो आप 4K यानी 3840x2160 पर एनिमेट कर सकते हो। एंड नाउ, अब आपको FPS सिलेक्ट करना होता है। तो मैं बेसिकली 12 FPS ही यूज करता हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो जितना आपको अपना एनिमेशन स्मूथ बनाना है। एंड नाउ, अब आता है हमारा सबसे मेन ट्यूटोरियल। आपको इतने सारे टूल्स देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही इजी होने वाला है। तो हम बारी बारी से सभी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप ब्रश एंड इरेजर के बीच स्विच कर सकते हो। एंड नाउ, ये जो टूल है वो है ब्रश टूल, एंड इस पर क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो मैं इन सभी को आपको बारी बारी से सबसे ईजी वे में समझाता हूँ। तो सबसे पहला है ट्रांसफॉर्म टूल। इसके हेल्प से आप अपने ड्राइंग को इधर उधर मूव कर सकते हो। एंड देन आता है मैजिक टूल। इसके हेल्प से आप लोग ड्राइंग में किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड नाउ ये है लसो टूल। इसके हेल्प से आप ड्राइंग में किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके उसे इधर उधर अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो। एंड ये है फिल्टर ऑप्शन, एंड इसके हेल्प से आप अपने ड्राइंग में बहुत सारे इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो। एंड ये रहा ब्रश टूल, एंड इसके हेल्प से आप डिफरेंट ब्रशेस को सिलेक्ट कर सकते हो जो कि आपको चाहिए। एंड इरेजर टूल के हेल्प से आप गलतियों को इरेज कर सकते हो। एंड अब आता है स्मज टूल। इसके हेल्प से आप कई सारे कलर्स को एक साथ मिक्स कर सकते हो कुछ इस टाइप से। एंड ये है ब्लर ऑप्शन, एंड इसके हेल्प से आप कुछ भी ब्लर कर सकते हो। एंड ये है स्पेशल टूल, एंड इसके हेल्प से आप अपने ड्राइंग को कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हो। एंड ये है बकेट टूल, एंड इसके हेल्प से आप ड्राइंग में कलर फिल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड ये है टेक्स्ट ऑप्शन, एंड इसके हेल्प से आप अपने ड्राइंग में या कहीं पर भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। एंड ये है फ्रेम डिवाइडर, एंड इसके हेल्प से आप कुछ इस तरीके से फ्रेम्स को डिवाइड कर सकते हो, जैसा कि कॉमिक्स एंड मांगाज में होता है। एंड ये है आई ड्रॉपर टूल, एंड इसके हेल्प से आप अपने ड्राइंग में किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड लास्ट वन जो कि है कैनवास, एंड ये ऑप्शन शायद ही आपके किसी काम का है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। इसके हेल्प से आप फ्रेम को रोटेट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, कलर मोड चेंज कर सकते हो, एंड DPI एंड रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हो। आई नो ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट आप जैसे जैसे न्यू प्रोजेक्ट्स बनाओगे एंड प्रैक्टिस करोगे तो आप ये सब सीख जाओगे। एंड नाउ, ये जो टूल है इससे भी ब्रश चेंज होता है। एंड ये जो टूल है वो कलर टूल है, एंड यहाँ पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड ये जो एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप इन दोनों चीज़ों को हाइड कर सकते हो ताकि आपको और बड़ा एरिया मिल जाए वर्क करने के लिए। एंड नाउ, ये रहा सबसे बड़ा टूल जो कि है लेयर टूल, एंड इसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स हैं।
तो हम बारी बारी से सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है जो कि है प्लस आइकन, एंड इस पर क्लिक करके आप न्यू लेयर्स को क्रिएट कर सकते हो। एंड इस टूल के हेल्प से आप लेयर्स का फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, जिसके बारे में हम एनिमेशन वाले पार्ट में डिटेल में समझेंगे। एंड इस टूल के हेल्प से आप अगेन कुछ इस तरीके से फ्लिप कर सकते हो। एंड ये जो टूल है, इसके हेल्प से आप किसी भी फोटो को गैलरी से यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हो कुछ ऐसे। एंड ये जो तीन टूल्स हैं, इसके बारे में मैं आपको एनिमेशन वाले ट्यूटोरियल में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको कुछ खास समझ नहीं आएगा। तो ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इनके हेल्प से आप लोग बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। एंड इसके हेल्प से आप लेयर की ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड ये जो टूल्स आप लोग देख पा रहे हो, ये सब सेम इसी टूल्स की तरह हैं जिनसे आप ड्राइंग को रोटेट, लेयर को ट्रांसपेरेंट एटसेट्रा कर सकते हो। एंड ये जो एरो है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको कई ऑप्शंस दिखेंगे। तो ये ऑप्शंस तो सेटिंग है, तो इसमें कोई छेड़खानी मत करना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसे एज इट इज़ छोड़ देना। एंड इसके हेल्प से आप सिलेक्टेड फ्रेम को ट्रांसपेरेंट पीएनजी के फॉर्म में अपने गैलरी में सेव कर सकते हो। एंड इससे भी आप सिलेक्टेड फ्रेम को सेव कर सकते हो, बट वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। एंड इसके हेल्प से आप वापस मेन मेन्यू पर जा सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड नाउ ये जो स्लाइडर है, इसके हेल्प से आप ब्रश का थिकनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो। एंड इस स्लाइडर के हेल्प से आप ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो लाइक दिस। नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हमने लगभग 60% टूल्स एंड फीचर्स को समझ लिया है। एंड बचे हुए 40% को भी फटाफट समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टूल से। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको इतने टूल्स दिखेंगे। तो सबसे पहले आता है रेफरेंस विंडो, एंड इसके हेल्प से आप रेफरेंस को ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ताकि आप उसे देखकर ड्रॉ कर सको। एंड इस टूल के हेल्प से आप ग्रिड को ऐड कर सकते हो अगर आपको ड्राइंग को पूरा मेजर करके या ज्योमेट्री को फॉलो करके बनाना है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में बताऊँगा। एंड इस टूल के हेल्प से आप मांगा का मैन्यूस्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो, बट ये आपके किसी काम का नहीं है तो इसे स्किप करते हैं। एंड नेक्स्ट टूल जो है वो है डिस्प्ले वेन जूमिंग। इसे मैं आपको एक बार अच्छे से बताता हूँ। जब ये स्मूथ पर सिलेक्टेड है, तो जब आप ड्राइंग को जूम करोगे तो आपको लास्ट में ऐसा ब्लर टाइप का दिखेगा। एंड जब आप इसे पिक्सेलेटेड पर सेट करोगे तो जूम करने के बाद आपको पिक्सल्स के फॉर्म में दिखेगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मैं तो स्मूथ पर ही रखता हूँ। एंड अब आते हैं इस टूल पर। तो इस टूल में भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट अभी आपको मैं दो ही समझाऊंगा, क्योंकि बाकी सब मैं आपको एनिमेशन बनाते वक्त समझाऊंगा। तो ये जो टूल है, इसके हेल्प से आप किसी भी ड्राइंग को कॉपी कर सकते हो। एंड इस ऑप्शन से आप उसे कहीं भी या किसी भी फ्रेम पर पेस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड नाउ अब आते हैं अपने नेक्स्ट टूल पर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, जो कि है स्टेबलाइज़र। तो इसको इंक्रीज करने के बाद आप और भी स्मूथली ड्रॉ कर सकते हो, एंड ड्रॉ करते वक्त आपकी ड्राइंग स्मूथ होगी। एंड इस ऑप्शन को जब आप इनेबल कर दोगे, तो फिर जब आप कुछ भी ड्रॉ करोगे तो वो जो लाइन होगी उसका एंड का जो शेप होगा वो इस तरीके से होगा जो आपने सिलेक्ट किया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो ये कुछ खास काम का नहीं है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। एंड इस टूल में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, पहला रियल टाइम एंड दूसरा आफ्टर। तो जब आप रियल टाइम को इनेबल करोगे तो आप जब ड्रॉ करोगे तो वो तुरंत उसी वक्त ड्रॉ होगा। एंड जब आप आफ्टर पर सिलेक्ट करोगे, तो जब आप ड्रॉ करोगे तो वो कुछ सेकेंड्स बाद ड्रॉ होगा। एंड नाउ ये रहा ड्राइंग टूल। एंड इसके हेल्प से आप कई सारे शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, या फिर जैसा आपको ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। एंड नाउ अब आता है हमारा नेक्स्ट टूल, जो कि है रूलर टूल। एंड इसमें आप कई सारी स्केल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए ये टूल, एंड सर्कल बनाने के लिए ये वाला टूल एटसेट्रा। एंड नीचे है सिमेट्री रूलर, एंड ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो इसे जब आप ऑन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड इस स्लाइडर से आप इसके एंगल को सेट कर सकते हो, एंड देन जब आप इधर ड्रॉ करोगे तो सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी ड्रॉ होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड ये टूल फेस बनाते वक्त एंड कैरेक्टर बनाते वक्त बहुत ही काम आता है। एंड नाउ फाइनली गाइस, ये रहा हमारा सबसे लास्ट टूल। तो ये बेसिकली कोई टूल नहीं है, बट ये आईवीएस पेंटेक्स का एसेट स्टोर है, यानी आपको यहाँ पर कई सारी बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं। एंड इन बनी बनाई चीज़ों को आप लोग अपने एनिमेशन प्रोजेक्ट में बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको सर्च बार भी मिल जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सर्च भी कर सकते हो।
सो फाइनली गाइज, हमने आईबीएस पेंटेक्स के सभी टूल्स एंड फीचर्स के बारे में समझ लिया है। एंड डोंट वरी, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लो और प्रैक्टिस करते वक्त देखते रहना। एंड हाँ, कमेंट करना फ्री है, तो आप कोई भी डाउट वगैरह पूछ सकते हो, मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। एंड नेक्स्ट पार्ट में आपको जो बच्चे खुचे टूल्स हैं उनके बारे में भी डिटेल में बता दूंगा, एंड उसमें मैं आपको एनिमेशन बनाना भी अच्छे से समझाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल मास्टर बन जाओगे एनिमेशन के। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, ये भी आईबीएस पेंटेक्स के ऊपर है, जिसमें मैंने एक रियल प्लांट को यूज करके एनिमे बनाया था। तो उसे भी आप लोग देख लो, एंड कैसा बना है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। एंड हाँ, अभी तक आपने हाफ लव का ट्रेलर नहीं देखा जो कि मैंने बनाया है बिल्कुल एनिमे जैसा, तो वो भी आप लोग देख सकते हो, चैनल पर वो भी पड़ा हुआ है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही एनिमे रिलेटेड ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर आते रहते हैं।